नमस्ते, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जनवरी महीने में गोवा से आने के बाद मैं कोई नया वीडियो बना नहीं पाया और वजह बहुत ही साफ है, क्योंकि जनवरी से जैसे ही बॉम्बे आया उसके बाद तुरंत पूरे विश्व भर में कोरोना का जो आतंक छाया हुआ उससे आप सभी लोग रूबरू है, आप सभी लोग जानते हैं। पूरा विश्व जहाँ एक और कोरोना से डरा हुआ, और डरने की वजह बहुत ही साफ है, बहुत ही स्ट्रेट है, सीधी है, क्योंकि सभी लोगों को मौत का भय सता रहा है। पूरे विश्व में काफ़ी सारी डेथ हो चुकी है, लाखों लोग मर चुके हैं, और हिंदुस्तान में भी यही डर सता रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 21 दिन के लिए लॉकडाउन घोषित किया है। इन 21 दिनों में सबसे बड़ी घटना जो घट रही है, जो मैं देख रहा हूँ, आज करीब करीब 14-15 दिन हो चुके हैं लॉकडाउन करने के बाद में, लोग बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहे हैं, चारों ओर उन्हें अकेलापन सता रहा है। पूरे दिन घर में बैठ के करे तो करे क्या, किसी से बात नहीं कर सक रहे, नीचे नहीं उतर सक पा रहे, सारा काम अस्त व्यस्त है। ऐसे माहौल में दो चीज़ें सामने आ रही है, एक तो अकेलापन घबरा रहा है, अकेलापन से हर व्यक्ति डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मौत से घबराया हुआ है। किसी से मिलने से भी वो घबरा रहा है, किसी को छूने से भी वो घबरा रहा है, यहाँ तक कि घर में अगर कोई सामान है तो उसे भी वो छूने के लिए 4 या 5 बार सोच रहा है। स्वाभाविक है मृत्यु से डर लगना। अक्सर हम उन्हीं चीज़ों से डरते हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। मृत्यु के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं, जानते हैं थोड़ा बहुत अगर, या थोड़ा बहुत नहीं, मैं यही कहूँगा कि अगर आप थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत कुछ अगर जानते हैं तो आप सिर्फ जीवन के बारे में जानते हैं। जीवन में चाहे भले कितना भी दुख हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कितनी भी कठिनाई हो, फिर भी जीवन का जो दुख है वो बहुत ही परिचित दुख है जिसे आप जानते हैं। और यही एक वजह है कि चाहे जो हो, जो भी मुश्किल आए, मरने को हम तैयार नहीं है, भले जीवन में कितना भी दुख हो हम जीने के लिए ज़रूर तैयार हैं। मृत्यु नाम सुनते ही हम घबरा जाते हैं, और घबराने की वजह बहुत ही स्वाभाविक है कि मृत्यु के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। जिस चीज़ के बारे में हम कुछ जानते नहीं उसी से हमें घबराहट होती है। उदाहरण के तौर पे, अगर मैं आपको अंधेरे रास्ते पे एक ऐसी अज्ञात जगह पे भेज दूँ रात के वक्त, जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, तो क्या होगा? एक स्वाभाविक सी बात है कि आप घबरा जाएंगे, वहाँ जाने की कल्पना करके भी आप डर जाएंगे, आप सहम जाएंगे, क्योंकि उस रास्ते के बारे में आपको कुछ पता नहीं। रात के अंधेरे में कोई आके आपको लूट ले, रात के अंधेरे में उस अज्ञात जगह पे कोई आके आपको उठा ले जाए, आपकी हत्या कर दे, कुछ भी संभावना हो सकती है। इन्हीं सारी संभावनाओं को सोचकर आप भयभीत हो जाएंगे। उसी तरह मृत्यु के बारे में भी आपको कुछ नहीं पता है, तो मरते वक्त क्या होता है, मरने के बाद क्या होगा, ये सब चीज़ सोच के हर व्यक्ति, हर मनुष्य घबरा जाता है। इसलिए अक्सर यही होता है कि जब भी हम कभी मृत्यु के बारे में बात करते हैं तो चेहरे पे एक उदासी सी छा जाती है, एक घबराहट सी छा जाती है। अगर हम मृत्यु से दोस्ती कर लें, अगर हम मृत्यु को जान लें, तो हम मृत्यु पे विजय पा सकते हैं। अक्सर हम जिस चीज़ से दोस्ती कर लेते हैं उससे हमारा डर निकल जाता है। उदाहरण के तौर पे, जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, अभी रिसेंटली 10th की एग्ज़ाम्स ख़त्म हुई है, बच्चों के कुछ पेपर्स बाकी भी रह गए हैं। 10th एग्ज़ाम में जहाँ तक मैंने देखा है, सारे बच्चे बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं एग्ज़ाम्स देने के लिए। कल सुबह एग्ज़ाम्स है तो आज उनके मन में कोई डर नहीं है, कोई ही किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। सुबह दिन में 1-2 घंटा पढ़े तो पढ़े, टीवी देखते हैं, घूमते फिरते हैं, खाते पीते, बहुत ही सहजता से वो बोर्ड की एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। कभी आपने सोचा कि उनको बोर्ड की एग्ज़ाम का भय क्यों नहीं है? बहुत ही सीधी और सरल सी बात है, पूरे वर्ष भर वो इसी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, पूरे वर्ष भर वो कई बार 50 बार इस तरह के पेपर को लिख देते हैं। 50 बार जब इस एग्ज़ाम की तैयारी करते वक्त आप 50 एग्ज़ाम्स दे देते हैं, तब बोर्ड की एग्ज़ाम का भय उनके मन से
हमेशा के लिए निकल जाता है। उसी तरह मृत्यु जीवन में सिर्फ एक बार ही आती है, ऐसा नहीं कि बार बार आती है, और मृत्यु से बड़ा सत्य इस जीवन में कुछ नहीं है। मृत्यु एकमात्र ऐसा विषय है जिस पे दुनिया के सारे धर्म, सारे धर्मगुरु, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, इस बात पे राजी हो जाएंगे कि मृत्यु से बड़ा सत्य इस दुनिया में कोई नहीं है। इससे बड़ी सच्चाई दुनिया के किसी बात में नहीं है। मृत्यु तो आनी ही है, लेकिन अगर उससे दोस्ती कर ली जाए, मरने से पहले ही उसकी अगर प्रैक्टिस कर ली जाए, तो जिस तरह से SSC में बच्चों को बोर्ड एग्ज़ाम्स का भय निकल जाता है बार बार प्रैक्टिस करने से, उसी तरह ही वास्तविक में मृत्यु आने पर उससे पहले अगर आप भी थोड़ी मृत्यु की प्रैक्टिस कर ले, मृत्यु को अगर जान ले, तो मृत्यु से आपका भय सदैव सदैव निकल जाएगा। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हम है क्या। मैं आपको बताऊं मृत्यु के पल क्या घटता है और हम किस चीज़ से बने हुए हैं। तीन चीज़ों में हम बटे हुए हैं साधारणतः। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा। अब आप पूछेंगे कि स्थूल शरीर क्या है, हमें तो सिर्फ शरीर ही पता है, तो मैं आपकी जिज्ञासा को थोड़ा कम कर किए देता हूँ। स्थूल शरीर यानी कि आपका बाहरी शरीर, जिसे लोग देखते हैं, जिसे आप देखते हैं, इसे हम स्थूल शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर यानी कि जीवन भर जो आपकी इच्छाएं, आकांक्षाएं, कल मैं ये करूँगा, कल वो करना बाकी है, पैसे कमाने बाकी है, इससे मिलना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वगैरह वगैरह। सूक्ष्म शरीर का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो फिजिकली दिखता नहीं है जिस तरीके से स्थूल शरीर दिखता है। एक तो हो गया स्थूल शरीर, आपका बाहरी लुक, एक हो गया सूक्ष्म शरीर जो कि आपका भीतरी वासनाओं से भरा हुआ शरीर, और तीसरी हो गई आत्मा। आत्मा जो है स्थूल शरीर से और सूक्ष्म शरीर से जुड़ी हुई होती है। हमारी आत्मा हमारे शरीर से, हमारे नाभि के साथ जुड़ी होती है। उदाहरण के तौर पे आप ये समझ लीजिए कि आप कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, नाभि यानी कि नबल, आप कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, और अकस्मात ही आपके सामने एक्सीडेंट होने जैसी घटना या एक्सीडेंट होने जैसा माहौल शुरू हो जाए, या एग्ज़ाम देते से पहले आपके पेट में एक अजीब सी गुड़गुड़ शुरू हो जाती है, आपके पेट में एक अजीब सा घबराहट शुरू हो जाता है, और पेट में एग्जैक्टली वो पेट में नहीं होता, वो नाभि के पास होता है। एक्सीडेंट के क्षणों में भी सबसे पहले जो आपको दर्द आता है, जो घबराहट का माहौल आता है, जो शरीर में कंपन आता है, वो सबसे पहले आपके नाभि पे आता है, क्योंकि आपके प्राण वहीं से आपके स्थूल शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। यही एक वजह है। तो तीन बातें होती हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से आपकी आत्मा जुड़ी हुई है। मरते समय होता क्या है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है, और बहुत लोग इसको जानने के लिए उत्साहित भी हो गए। आपको इतना ही पता होगा कि मरते वक्त आपका बोलना बंद हो जाता है, आपके प्राण चले जाते हैं, और बस हमेशा के लिए सब खत्म। उस पल घटता क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपको मृत्यु से भय निकालना है। तो मरते वक्त किसी की उम्र 20 साल, 40 साल, किसी की 70, किसी की 80 साल, एक ही घटना सबके साथ घटती है कि आपके प्राण, आपकी आत्मा और आपका सूक्ष्म शरीर आपके स्थूल शरीर से अलग हो जाता है। यानी कि आपका जो बाहरी शरीर जो आप जिसे देख रहे हो, उससे आपका सूक्ष्म शरीर और आपकी आत्मा, ये दोनों अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद भी आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। आप खुद अपने उस शरीर को पड़े हुए देख सकते हैं, और आपको ऐसा ही लगेगा कि ये क्यों आसपास बैठ के लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इतने दुखी क्यों हैं, जबकि मैं तो ज़िंदा हूँ। क्योंकि शरीर मर जाता है, स्थूल शरीर मरता है, सूक्ष्म शरीर और आपकी चेतना, आपकी आत्मा, दोनों अलग हो जाते हैं, और आत्मा सदैव अमर रहती है, आत्मा कभी नहीं मरती। आप अपने ही शरीर को देख पाते हो। मृत्यु में बिल्कुल ऐसा ही घटता है।
इसी घटना को अगर आप, जो मैंने उदाहरण दिया था बोर्ड एग्ज़ाम्स का, कि अगर आप जीवन में, हर साल तो इसको प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पर जीवन में 8 से 10 बार भी इस घटना को अगर आप देख लो, मरने से पहले अगर आप मर लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो, तो मरते वक्त आपको वो घबराहट नहीं होगी, आपको वो बहुत ही सहज घटना लगेगी, जिसमें आपको कोई दर्द, किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी छत से जाके कूद जाना है, मरने के पहले ही मर जाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। ध्यान एकमात्र ऐसी चीज़ है, एक ऐसा एहसास है, जिसे प्रैक्टिस करते करते एक ऐसा लेवल आ जाता है, जहाँ पे ध्यान के माध्यम से ही आप अपने शरीर से, अपने सूक्ष्म शरीर को और आत्मा को अलग करके देख सकते हो। जब आप उच्च लेवल के ध्यान पे चले जाते हो, मेडिटेशन के उस लेवल पे चले जाते हो, जहाँ पे ऐसा होना मुमकिन है कि आपकी रियल मृत्यु के पहले ही आपकी आत्मा और आपका सूक्ष्म शरीर अलग होके आपके स्थूल शरीर को देख सकते हो, ऐसी घटना होती है। सिर्फ ध्यान के माध्यम से ये मुमकिन है, और इसके सैकड़ों उदाहरण हैं। आप YouTube खोल के अगर सर्च भी कर लेंगे तो सैकड़ों उदाहरण हैं। बुद्ध भगवान इसके एक उदाहरण हैं, शंकराचार्य है, रजनीश ओशो है, और जितने भी महात्मा इस विश्व में पैदा हुए हैं, उनके लिए ये बहुत ही आम घटना है। यही वजह है कि उनको मृत्यु से कोई भय नहीं था। जब इस तरह की प्रैक्टिस आप जीवन में 8 से 10 बार कर लोगे, तो वास्तविक में जब मृत्यु आएगी तब भी यही घटने वाला है, आपको उससे भय नहीं रहेगा। बल्कि ऐसी प्रैक्टिस करने के बाद आपको मृत्यु से दोस्ती हो जाएगी, मृत्यु से भय आपका समाप्त हो जाएगा। और इस पल जब पूरे विश्व में लॉकडाउन चल रहा है, हिंदुस्तान में लॉकडाउन चल रहा है, तो जिस बात की घबराहट आपको है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, उस मृत्यु से ध्यान के माध्यम से दोस्ती की जा सकती है और मृत्यु पे विजय प्राप्त की जा सकती है। ध्यान करना और ध्यान में होना, इन दोनों बातों में भी डिफरेंस है, इन दोनों बातों को भी समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। ध्यान करना मतलब एफर्ट डालना। आप ध्यान कर रहे हो तो आपका मन कभी यहाँ पे, कभी वहाँ पे, कभी किस चीज़ में, कभी दुकान में, कभी पैसों में, कभी किसी दूसरी बातों में भटकता रह रहा है। तो आप फिर मेहनत कर रहे हो कि नहीं, मैं एक ही जगह पे ध्यान करूँ और एकाग्रता से ध्यान करूँ, उसे कहते हैं ध्यान करना। और शुरुआत में यही होता है, शुरुआत ध्यान की यहीं से होती है। लेकिन ध्यान में होना ये एक अलग बात है। ध्यान करना जिसमें आपको एफर्ट डालना है, और ध्यान में होना मतलब, उसका एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि आपको मैं समुंदर में फेंक दूँ और आपको स्विमिंग आती है, तो आप अपने शरीर को पानी से ऊपर रखने के लिए हाथ पैर दोनों घुमाते रहेंगे, एफर्ट डालेंगे तैरने के लिए, एफर्ट डालेंगे इस किनारे से उस किनारे तक जाने के लिए, पानी पर ऊपर रहने के लिए। तो ये तो हो गया ध्यान करना, जिसमें आप एफर्ट डाल रहे हो। स्विमिंग में आप इतना ही कर सकते हो कि या तो इस किनारे पर पीछे लौट आओगे, या इस किनारे से स्विमिंग करके तैर के दूसरे किनारे पर चले जाओगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो पाएगा। और ध्यान में होना मतलब एफर्टलेस हो जाना। उदाहरण के तौर पे, जैसे कि एक पत्ता समुंदर में गिर गया हो, पत्ता तैरने के लिए कोई मेहनत नहीं करता, एफर्टलेस हो जाता है। पानी का बहाव, समुंदर की लहरें उसे समुंदर में जिस ओर वो ले जाती है, वो पत्ता उस दिशा में उस ओर बढ़ जाता है। इसे कहते हैं ध्यान में होना, एफर्टलेस हो जाना। उदाहरण के तौर पे, जिंदा व्यक्ति पानी के ऊपर रहने के लिए हाथ पैर चलाता है, और मुर्दा व्यक्ति बिना किसी एफर्ट डाले पानी के ऊपर तैरता है। तो मैं इतना ही कहूँगा ध्यान के लिए कि आपको मुर्दा हो जाना है, आपको उस पत्ते की तरह ध्यान करना है, अपने आप को समुंदर के हवाले कर देना है और अनंत में विलीन हो जाना है। इसे कहते हैं ध्यान में होना। उम्मीद करता हूँ मेरे इस बात को बताने के बाद
आप अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। ध्यान ही एकमात्र ऐसी सुविधा उत्पन्न कर सकता है कि जिससे आपको दोस्तों की या दूसरे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस लॉकडाउन में आप स्वयं में होके स्वयं के साथ 2400 घंटे खुश रहेंगे। आपको कभी महसूस नहीं होगा कि मैं नीचे उतरूं, मैं इनसे मिलूं या उनसे मिलूं। आप स्वयं में बहुत ही खुश रहेंगे और ऐसा करने से आपका अकेलापन तो दूर होने वाला ही है, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। क्योंकि जब आप मौत को समझ लेते हो, उसके बारे में जान लेते हो, तो उसी क्षण से आपकी ज़िंदगी एक नया मोड़ ले लेती है। आप ज़िंदगी के प्रति पल को, प्रति क्षण को और भी ज़्यादा उत्सुकता से, और भी ज़्यादा सजगता से जीना शुरू कर देते हो। मृत्यु को जानना ही जीवन जीने के बराबर है। मृत्यु और जीवन, या जीवन और मृत्यु, ये दोनों अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, एक ही घटना के दो अलग नाम हैं। एक ही रस्सी का जो पहला सिरा है वो जन्म, और उसका दूसरा सिरा जो है वो मृत्यु है, और जो बीच में रस्सी है वो आपका जीवन है। इसलिए जीवन और मृत्यु दो अलग अलग घटनाएं नहीं हो सकती है। जिस पल आपका जीवन शुरू होता है, उसी पल से ही आपकी मृत्यु भी पल पल शुरू हो जाती है। उदाहरण के तौर पे, उजाले का ना होना ही अंधेरे का होना है, अन्यथा अंधेरे का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं होता। अंधेरे का अपना खुद का कोई भी अस्तित्व नहीं होता, सिर्फ प्रकाश का ना होना ही अंधेरा है। उसी तरह जीवन को न जीना, जीवन का ना होना ही मृत्यु है। और एक बार अगर आप मृत्यु को समझ लेंगे, उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तो जीवन के प्रति क्षण को आप बहुत ही इंजॉय करेंगे। क्वारंटाइन के इन दिनों में, लॉकडाउन के इस दिनों में आप घर पे रहे, आप जब घर पे रहेंगे तो आप ध्यान के माध्यम से आप अपने आप को भी खुश रखेंगे, अपने आप के प्राणों को भी बचा पाएंगे, और साथ ही साथ हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों की भी जान बचा पाएंगे। तो मैं समझता हूँ, मैं आपको ये जो दे रहा हूँ आज, ये बात जो आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जो मैं आपको ये ज्ञान की बात समझा रहा हूँ कि ध्यान के माध्यम से ही आप इस कोरोना से लड़ सकते हैं, मृत्यु पे विजय पा सकते हैं, और आप खुद अपनी और विश्व के और हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों की जान बचा सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये वीडियो मैंने उसके लिए बनाया भी नहीं कि आप मुझे ढेर सारे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बस इतना ही चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने घर पर रहे, स्वयं के साथ हो जाए, और अपने साथ साथ तमाम देशवासियों की भी जान की रक्षा करें। धन्यवाद।